इंडिया की सबसे वायलेंट फिल्म एनिमल मूवी क्रिएट करने के बाद द जीनियस डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा इंडिया की टॉप क्लास डायरेक्टर की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। नो डाउट अपने लाइफ में सिर्फ 3 स्टैंडर्ड और कंट्रोवर्शियल मूवीज बना के एज ए फिल्म मेकर इस लेवल की पॉपुलैरिटी हासिल करना कोई मजाक नहीं है। लिटरली लोग एनिमल मूवी में रणबीर कपूर, बॉबी देओल एंड भाभी 2 तृप्ति रिमली को लेकर जितना डिस्कशन कर रहे हैं उससे भी ज्यादा इस टाइम में भारत की फिल्मी दुनिया में संदीप रेड्डी वांगा की अपकमिंग मूवीज को लेकर डिस्कशन चल रहा है, जहां प्रभास से लेकर अल्लू अर्जुन इवन महेश बाबू भी संदीप रेड्डी वांगा की अपकमिंग मूवीज में काम करने वाले हैं। पर इन सब के अलावा वांगा के साथ कुछ ऐसे कोलैबोरेशन की बात चल रहा है जो लिटरली हिंदी सिनेमा में रेवोल्यूशन ला देगा, और इस टाइम में बड़े बड़े एक्टर से लेकर हम ऑडियंस का थॉट प्रोसेस बिल्कुल चेंज कर देगा, जो सोचने में मजबूर कर देगा कि हाउ इज दिस पॉसिबल, इंक्लूडिंग RIP सेंसर बोर्ड एंड टोटली एडल्ट आर रेटेड इंडियन सिनेमा। मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, तो विदाउट वेस्ट एनी मोर टाइम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं हाउ वांगा विल चेंज ओवरऑल इंडियन सिनेमा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, प्रभास स्टारर स्पिरिट। एनिमल मूवी के बाद वांगा डायरेक्टली स्पिरिट मूवी पे काम ऑलरेडी चालू कर दिया है, जहां एज पर रूमर ये भी एक वॉयलेंट एक्शन फिल्म होने वाला है जिसमें रेबल स्टार प्रभास एक वॉयलेंट हार्ड पुलिस ऑफिसर के रोल में दिखेंगे, जो कि कोई नॉर्मल ऑफिसर्स की तरह तो बिल्कुल नहीं होने वाला बल्कि थोड़ा सा सनकी और हरामी टाइप का बंदा होगा जो काम करेगा अच्छाई के लिए पर गलत रास्ते पे। नो डाउट ये पिक्चर भी एक एडल्ट आर रेटेड कैटेगरी में दर्ज होने वाला है। बाकी हम सब वांगा का स्टाइल जानते हैं, लिटरली ये बंदा प्रभास को ऐसे प्रेजेंट करके दिखा देगा जैसा हमने बाहुबली में भी नहीं देखा है। नंबर 2, स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन स्टारर एक अनटाइटल्ड फिल्म जिसके स्क्रिप्ट पे इस टाइम में वांगा काम कर रहे हैं, जहां हम सबको ये भी बताया कि अल्लू अर्जुन भी इस टाइम में पुष्पा 2 पे काम कर रहे हैं और मूवी 15 अगस्त को रिलीज भी होने वाला है। और बोला जा रहा है कि जब इस मूवी की स्क्रिप्टिंग कंप्लीट होने के बाद प्रभास की स्पिरिट रिलीज हो जाएगा तब वांगा अल्लू अर्जुन के मूवी पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। और पता नहीं, हो भी सकता है कि ये पिक्चर भी एडल्ट आर रेटेड कैटेगरी में दर्ज हो जाए। देखा जाए तो एनिमल मूवी की तरह प्रभास के स्पिरिट मूवी को भी कॉमर्शियल सक्सेस मिल जाए तो वांगा अपने बाउंड्रीज को और भी पुश करेगा। देन हम अल्लू अर्जुन के परफॉर्मेटिव मूड से वाकिफ है, चाहे वो पुष्पा हो या किसी वॉयलेंट कैरेक्टर। नंबर 3, एनिमल पार्ट। नो डाउट इस पिक्चर को बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि भाई एनिमल ऑलरेडी रिलीज हो चुका है और वांगा ने एनिमल पार्क का स्क्रिप्टिंग ऑलरेडी पहले से ही डन कर लिया है। एंड एनिमल मूवी में बॉबी देओल एज अबरार के बाद रणबीर कपूर का बॉडी डबल द प्रोफेशनल बुचर अजीज का कहानी अभी भी बाकी है और वो बहुत खतरनाक है, जिसका हिंट ऑलरेडी हमें पोस्ट क्रेडिट में मिल चुका है। भाई यार, जब इस मूवी में रणबीर कपूर वर्सेस रणबीर कपूर यानी अजीज वर्सेस रणविजय होगा तब थिएटर स्टेडियम में बदल जाएगा, क्योंकि मूवी के स्टार्टिंग में 2058 के बूढ़े रणबीर कपूर को लेकर जितने सारे थ्योरीज इंटरनेट में सर्कुलेट हो रहा है उन थ्योरीज का कंक्लूजन सब कुछ एनिमल पार्क में मिल सकता है। तो डेफिनेटली ऑडियंस तो एनिमल पार्क देखने के लिए एक्साइटेड है। नंबर 4, महेश बाबू के साथ संदीप रेड्डी वांगा की एक अनटाइटल फिल्म पिछले 4 साल से डिले पे डिले होता जा रहा है, पर अब लगता है राजामौली के साथ महेश बाबू के मूवी का काम खत्म होने के बाद ही वांगा के इस मूवी में काम चालू हो पाए। वैसे वांगा के अपकमिंग लाइनअप को देखते हुए देखा जाए तो महेश बाबू के साथ कोलैबोरेशन में अभी बहुत टाइम बाकी है। नंबर 4, इसर के एक संदीप रेड्डी वांगा। हाँ, कमेंट पे गाली देने से पहले रुक जाओ, मैं बताता हूँ, रुक जाओ, बात तो सुन लो मेरी। वांगा को हर मूवी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मांगता है? ऑब्वियसली मूवी का लीड एक्टर। पिछले 3 वांगा की मूवीज में ऑडियंस ने किसका तारीफ सबसे ज्यादा किया है? ऑब्वियसली हीरो का, क्योंकि वांगा का कास्टिंग चॉइस बहुत सॉलिड है। और आफ्टर जवान इसर के का पोटेंशियल हम सब जानते हैं। एटली ने जैसा इसर के को निचोड़ लिया था, वांगा उसमें सक्सेसफुल हो गए तो पिछले 30 साल से इंडस्ट्री में डोमिनेट करने वाले एक्टर शाहरुख खान को उनके फैंस से लेकर ऑडियंस पहचान ही नहीं पाएंगे। देखा जाए तो शाहरुख खान डंकी मूवी के बाद एक अच्छे स्क्रिप्ट के तलाश में है जो उनके टिपिकल एक्शन मूवीज से डिफरेंट हो। जवान पठान तो बहुत हो गया, कुछ अलग करते हैं, चलो वांगा से कोलैबोरेट करते हैं। और हमारे पास तो रेड चिलीज जैसे VFX से लेकर बहुत अच्छा प्रोडक्शन हाउस है। खैर, तुम बताना शाहरुख खान एक्स वांगा कैसा बन सकता है? देखो भाई, वीडियो के शुरुआत से अभी तक मैंने जो कहा वो था मेरा पर्सनल ओपिनियन, पर पब्लिक के ओपिनियन पे ध्यान दिया जाए तो समझ रहे हो ना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, वो कोलैबोरेशन हो गया तो इंडियन सिनेमा का फ्यूचर क्रेजी लेवल पे पहुंच जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सलमान खान एक्स संदीप रेड्डी वांगा की। ये बात सुनने में काफी सिंपल लगता है, क्या बड़ी बात है, हो भी सकता है, पर नहीं भाई, उतना भी आसान नहीं है। आप सलमान खान के मूवीज के पैटर्न को ध्यान दोगे तो मेरे अकॉर्डिंग ये कोलैबोरेशन काफी हद तक मिशन इम्पॉसिबल है, क्योंकि भाई वो सलमान भाई हैं, वो अपने
मूवीज में कुछ स्ट्रिक्ट रूल बांध कर रखते हैं, जैसे कि मूवी में हीरो हीरोइन की लिप टू लिप किस तो दूर की बात, पप्पी भी नहीं चलेगा। और इसके कंपटीशन में वांगा का स्टाइल तो हम सब जानते हैं। देन टाइगर फ्रेंचाइज के अलावा सलमान भाई अपने मूवीज के लिए खुद कास्टिंग करते हैं, जैसे कि भाई बहन रिश्तेदार वगैरह वगैरह। एग्जाम्पल तुम्हें बताए, किसी की भाई किसी की जान। और तुमको पता है ऐसा बकचोदी वांगा के पास नहीं चलने वाला, क्योंकि वांगा मूवी के स्क्रिप्टिंग के पहले ही बेसिक स्टोरी लाइन से मूवी का कास्टिंग डन कर लेते हैं। उन्हें पता होता है कि कौन किस कैरेक्टर पे परफेक्ट बैठेगा। एंड फाइनली भाईजान के मूवीज में कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, मूवी में हर डायलॉग फैमिलियर होना चाहिए, इजी होना चाहिए, वल्गर सीन्स वगैरह नॉट अलाउड, सेक्स वॉक्स तो दूर की बात। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, मूवी में किसी भी कॉन्ट्रोवर्सियल टॉपिक को टच नहीं किया जाएगा। भाई मूवी है तो ऑडियंस को पाकिस्तान को भी सम्मान करना होगा। मैस्कुलिनिटी, अल्फा मेल, भाभी 2, प्लेन के ऊपर, जीरो ग्रेविटी में सेक्स, ये सब वांगा का स्टाइल है और बहुत कूल है। पर ऊपर मैंने सलमान भाई के रूल्स के बारे में मैंने जो कहा, उसका उल्टा रूल फॉलो करता है बंदा। और मैं बता रहा हूँ, वांगा और सलमान भाई ने दोनों ने मिलकर इन प्रॉब्लम्स को सुलझा लिया, तो भाई ये अब तक की मोस्ट सरप्राइज मूवी होने वाली है। लिटरली स्क्रीन के ऊपर भाई का कांड और काम देखकर उनके फैंस पागल हो जाएंगे कि भाई ये कैसे हो सकता है। याद करो कबीर सिंह में शाहिद कपूर और एनिमल में रणबीर कपूर के कुछ वियर्ड सीन्स, और उनमें सलमान खान को बैठाओ और इन चीजों के बारे में थोड़ा सा सोच कर देखो, दिमाग हिल जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग ये सब कुछ करके वांगा इंडियन सिनेमा में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ला रहा है। आपको क्या लगता है? अपन का बहुत बिजी टाइम चल रहा है, बाहर आप सुनी सकते हो तो एडजस्ट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।